माइनक्राफ्ट का मिथक है अगर हम किसी विंडिकेटर को ना जॉनी नाम का एक नेम टैग दे दें, सारे मॉब्स को ना मारने लगता है। लेट्स सी यार ये मिथ वर्क भी करता है कि नहीं। यहाँ पर विंडिकेटर स्पॉन किया, यहाँ पे दो चार फॉक्सेस कर देते हैं एंड इसको मैं देने वाला हूँ जॉनी का नेम टैग। एंड लेट्स सी ये एक मारता है कि नहीं बाकी मॉब्स को। अभी मारा क्यों नहीं अभी? अबे यार ये मिथ तो गलत है, बट ऐसा सिर्फ मुझे लगता था क्योंकि यार कुछ सेकंड बाद विंडिकेटर मेरे सामने से गायब होता है एंड दिस हैपेंड। इसका मतलब है दिस मिथ एक्चुअली वर्क्स। एंड भाई ये मार रहा है, बट अगर विलेजर को अपनी जान बचानी है तो भागना ही पड़ेगा। Run. वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो। तो आज भी ऐसे मजे मजे के ना मिथ्स ट्राई होने वाले हैं। अगर एक्साइटेड हो तो लाइक करो वरना सब्सक्राइब करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? बट एनीवेज लेट्स गो टू द वीडियो। तो भाई नेक्स्ट मिथ कहता है कि यार अगर हम लोग ना किसी डॉल्फिन को अपना कोई सामान दे दे तो यार ये ना उससे खेलती है। लेट्स सी के भाई क्या ये खेलती है कि नहीं। अबे एक्चुअली यार ये इससे थोड़ा बहुत तो खेल रही है, देखना इसने उठा लिया इसे। एक और चीज फेंक के चेक करता हूँ भाई। तो भाई ये मिथ काम कर रहा है बिकॉज यार आप लोग देख पा रहे हो वाटर बकेट को कभी इधर फेंक रही है कभी उधर फेंक रही है। इस मींस ये मिथ वर्क कर रहा है। तो भाई सब जी यहाँ पर आ चुका है मेरा दोस्त जिसके ऊपर भाई ये वाला ना एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो यार मिथ है कि हम ना शेयर्स के साथ ना एक विलेजर की ना नाक काट सकते हैं। अबे रुक जा किधर भाग रहा है भाई। यार ये सुनने में तो काफी ज्यादा वेर्ड है। लेट्स सी कि यार ये काम भी करता है कि नहीं। अबे यार कुछ नहीं कहता भाई, रुक जा तू। दो सदियां बीत गई है भाई, ये मेरे हाथ नहीं आया। अबे यार एक एक्सपेरिमेंट करना है छोटा सा। नहीं भाई सब जी ये मिथ वर्क नहीं करता। अबे यार इस मिथ ने तो मेरी नाक ही कटा दी। तो भाई नेक्स्ट मिथ कहता है कि अगर हम किसी फॉक्स को ना वाटर बकेट दे देना तो भाई सब जी ये ना उसे MLG करेगा। वेरी डेंजरस। तो यहाँ पर मैंने एक फॉक्स को स्पॉन किया है एंड यहाँ पर इसे देते हैं एक वाटर बकेट। ओके तो इसने अपने मुंह में पकड़ भी लिया है। तो भाई सब जी इसको यहाँ से मैं धक्का देने वाला हूँ। लेट्स सी के भाई सब जी क्या होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, स्कैम हो गया हमारे साथ। तो भाई इस मिथ के लिए मैंने अपनी एक फॉक्स की कुर्बानी दी है। तो भाई लाइक कर दो ना, पहली फुर्सत में निकल। तो भाई नेक्स्ट मिथ बोलता है कि अगर हम लोग ना किसी स्पाइडर के ऊपर ना इनविजिबिलिटी का ना पोशन फेंक दे वो ना गायब हो जाती है। लेट्स सी कि ये गायब भी होती है कि नहीं। ऑलराइट तो भाई सब ये गायब हो गई। इस मिथ की ये मिथ भी काम करता है। तो भाई नेक्स्ट मिथ है कि डायमंड का ब्लॉक और नेदरराइट इंगट मिलके ना हम लोगों को ना एक पूरा पूरा नेदरराइट का ना ब्लॉक देते हैं। लेट्स सी कि ये काम भी करता है कि नहीं। इट डजंट वर्क। इस मिथ की ये मिथ भी बिल्कुल गलत है। तो भाई नेक्स्ट मिथ ये है कि जो भी बंदा ना रेड कलर को ना ग्रे में कन्वर्ट करता है तो यार उसके ना ऑलमोस्ट 90% नंबर आते हैं। तो गौर से देखो तो यार आपको ना एक लाल कलर का ना सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा तो यार उसको फटाफट से ग्रे कर दो अगर 90% लेने हैं तो। एंड कमेंट में बताना भाई सब जी ये वर्क भी करता है कि नहीं। तो भाई नेक्स्ट मिथ बोलता है कि जब तक तुम्हारे पास शील्ड है ना तुम्हें कोई भी क्रीपर ना हार्म नहीं पहुंचा सकता। लेट्स सी के भाई सब जी ये वाला मिथ काम भी करता है कि नहीं। 1, 2, 3, 4 मैंने यहाँ पर स्पॉन कर दिया एंड लेट्स सी के भाई सब जी ये काम भी करते हैं कि नहीं। अब यार मेरे को सर्वाइवल में जाना होगा। ऑलराइट तो देखते हैं भाई सब जी ये काम भी करता है कि नहीं। इट्स मीन्स के भाई सब जी ये मिथ भी वर्क करता है। तो भाई हम तो समझते हैं हम बड़े प्रो प्लेयर हैं बट यार हमें ये नहीं पता कि शील्ड से क्रीपर को भी रोका जा सकता है। इसलिए कहता है भाई सब जी ना शील्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लड़ाई के दौरान। तो भाई नेक्स्ट मिथ बोलता है कि जिस ब्लॉक पर तुम स्पॉन हुए हो उसके बिल्कुल नीचे डिग करते जाओ ना आप लोगों को ना डायमंड्स मिलेंगे। लेट्स सी भाई सब जी मुझे मिलते हैं। अबे मेरे को तो सिर्फ मौत मिली। यार कौन बोल रहा था भाई सब जी डायमंड मिलेंगे, उसको मेरे सामने लेकर आओ मैं उसे बताता। भाई सब जी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मौत मिली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो भाई नेक्स्ट मिथ है कि हम लैपिस लजुला को ना स्टोन की पिकेक्स से ना माइन कर सकते हैं। लेट्स सी भाई। अबे ये कैसे हो गया, हम इतने टाइम से आयरन की पिकेक्स की तलाश करते थे इसको माइन करने के लिए। तो भाई मेरे को लगता है मुझे दोबारा से माइनक्राफ्ट का स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मिथ बोलता है कि यार एक इवोकर ना ब्लू शीप को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेट्स सी कि यार ये वर्क भी करता है कि नहीं। ओ भाई इट्स एक्चुअली वर्क्स। तो भाई नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम ना किसी एंडरमैन की आइज के अंदर कंटिन्यूअसली देखते रहें तो वो एक जगह पे ना स्टक हो जाता है। लेट्स सी यहाँ पर इसे मैंने स्पॉन किया। ओ भाई साहब ये मिथ तो काफी ज्यादा खतरनाक वाला है। इट्स मीन्स कि यार माइनक्राफ्ट इज सो इंटरेस्टिंग। तो यार नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम लोग ना किसी साइन बोर्ड के ऊपर ग्लो इंसेक्ट लगाएं तो वो असल में ग्लो करने लगता है। लेट्स ट्राई इट। यहाँ पर इस पे मैं लगाता हूँ ग्लो इंसेक्ट। इट्स वर्क। तो भाई सब जी एक्चुअली मैं चमका। बट एनीवेज यार आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि यार आपको मजा आया होगा। तो यार अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए ना तो फटाफट से 20 लाइक कर दो। बट एनीवेज मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।